दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो में मैं आपको प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में ये प्लगइन्स का हमारा मेन्यू है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सारे जितने भी प्लगइन हमारे इंस्टॉल्ड हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ से हम प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जो इस प्लगइन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ये कन्फर्मेशन मैसेज है कि आप सच में इसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। तो अब हम एक नया प्लगइन इसमें इंस्टॉल करेंगे। एड न्यू पे क्लिक करा ऊपर, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं एड न्यू। जैसे हमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से एक प्लगइन है तो उसे इंस्टॉल करेंगे। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, तो ऐड न्यू मैं दोबारा करता हूँ। इसका प्रोसीजर सेम थीम एडिटर थीम इंस्टॉल करने की तरह है। वैसे तो ऐड न्यू किया मैंने। ऐड न्यू करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होती दिख जाएगी, ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो आपको इसमें क्या करना है, जो भी आपको प्लगइन चाहिए उसका नाम लिखना है यहाँ पे सर्च में। तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन सबसे पहले नंबर पे आ रहा है तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करना आपको। दोस्तों, प्लगइन का काम ये होता है कि कोई भी हमें नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है अपनी साइट में तो वो हम प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हैं या बने बनाए मॉड्यूल होते हैं वर्डप्रेस के। दोस्तों, ये थोड़ा टाइम ले रहा है।
एक्टिवेट करना है ऐसे यहाँ से। हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक मेन्यू बना हुआ आ गया है, तो मेन्यू आ गया है तो इस पर कॉन्टैक्ट फॉर्म पे हमें क्लिक करना है। ये एक सैंपल फॉर्म भी हमें देता है, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म एक बना हुआ है। इसको अगर हम एडिट करते हैं तो एडिट करने पे हमारे ये फील्ड्स ऑलरेडी, एक सैंपल फॉर्म हमारा क्रिएट हुआ हो रखा है। यहाँ पे हम मेल वगैरह सेट करते हैं, जो जिस मेल पे हमें मैसेज सेंड करवाना है। ये हमारा शॉर्ट कोड है जिसको हम पेज में यूज कर सकते हैं। शॉर्ट कोड के बारे में, शॉर्ट कोड कैसे क्रिएट होते हैं ये मैं आपको अपने कस्टमाइजेशन की नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा। तो इसको हम किसी एक पेज क्रिएट करते हैं न्यू, यहाँ से हम पेज क्रिएट कर सकते हैं। पेज क्रिएट करने के बाद दोस्तों ऐसे कॉन्टैक्टर्स हम नाम दे देते हैं, और कॉन्टैक्टर्स देने के बाद इसमें उस शॉर्ट कोड हमें पेस्ट करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस पर हम शॉर्ट कोड टाइप करते हैं। तो ये हमारे पास ये शॉर्ट कोड के लिए एक विजेट आ गया है। इसमें हम अपना शॉर्ट कोड पेस्ट कर देते हैं जो हमने वहाँ से पेस्ट किया था, कॉपी किया था सॉरी। अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद दोस्तों मैं अपना पेज ओपन करता हूँ।
पेज ओपन करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म हमारा आ गया है जो हमने वहाँ से सेट किया है। तो ये हमारा फॉर्म बना हुआ आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम प्लगइन्स का यूज करते हैं। थीम्स की तरह हम प्लगइन को अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ ऐड न्यू पे, प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू, ऐड न्यू पे जाके दोस्तों हम अपलोड प्लगइन भी कर सकते हैं। जैसे हमने थीम पहले अपलोड किया था, यहाँ से चूज फाइल करके हम प्लगइन को अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम ऐड न्यू पे से कोई भी जो भी हमें प्लगइन सर्च करना होता है वो हम सर्च करके एक्टिवेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या फंक्शनलिटी ऐड करनी है। तो इस तरह से दोस्तों हम प्लगइन्स पे काम करते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये सारे प्लगइन्स हैं।